हदीसे पाक बयान करता जावा। इब्ने हब्बान हदीस दी किताब मिश्कात शरीफ हदीस दी किताब अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह सहीहा दे अंदर भी नकल फरमाई है रिवायत। इमाम तिरमजी रहमतुल्लाह अलैह इनु सुनन तिरमजी दे अंदर भी ले करके आए ना अल्लाह दे नबी दा फरमान है ना फरमाया अल मरातु औरतुल औरत असी उर्दू जबान अंदर बोलने हैं अरबी अंदर मरआ बोलिया जाता अल मरआ मरआ मीन्स ओदे मतलब औरा मरआ औरतुन औरत चीज ही छुपी हुई शै है औरत नाम ही छुपी हुई चीज़ का है ये मेरे नबी का फरमान है यानी औरत नाम ही छुपी हुई चीज़ का है ना फैजा खरजत इस तशरफ शैतान जदों अपने घरों निकलती है ना शैतानों की ताक अंदर लग जाता है शैतानों बहकान वास्ते उन्हों फिसलान वास्ते उदी ताक अंदर लग्या रहा है ना फरमाया वा कुरबू माता कून मिर रहमती रब्बी हा वही अफी कारी बही अल्लाह दे नबी दी हदीस सुनाई है मेरे नबी दा फरमाने आली शान सुनाया है अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे साहबा औरत अपने रब दी रहमत दे ज्यादा करीब उदों होया कर दिए जदों अपने घर दे अंदर होया कर दिए औरत का रब दी रहमत दे ज्यादा करीब कदों होंदी जदों अपने घर अंदर मकीन होंदी है घर अंदर टिकी हुई होंदी है घर अंदर ठहरी हुई होंदी है। अल्लाहू अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगे एक होर रिवायत सुनांदा जावां तिरमिज़ी दे अंदर रिवायत मौजूद है ना निसाई शरीफ हदीस पाक दी किताब अबू दाऊद हदीस पाक दी किताब इन्हां तिन्ना किताबां दे अंदर ये रिवायत मौजूद है ना अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरे साहबा जेड़ी औरत खुशबू लगा करके निकले कुछ मर्दां दे कोलों उन्हां दे करीब तो गुजरे ताके मर्द दी खुशबू महसूस कर सकन ताके ना मर्दां नूं इहदी खुशबू पहुँच सके ताके इहदी खुशबू पा सकन मेरे नबी ने फरमाया फहिया जानियतुल नहीं समझिया बात। हुजूर ने फरमाया जिहड़ी कल्ली खुशबू ला के निकलदी है ना गैर मर्द दी खुशबू पा लैण फरमाया फहिया जानियतुन ए औरत जानिया है ए औरत बदकारा है। ओ मेरी रूहानी माँ ते बहन आते सही जरा अल्लाहु अकबर कबीरा तू की जाने पर्दे दी अहमियत तू ए काफिर की जानन ए मुशरिक की जानन ए बे गंदे किस्म दे लोग ए बे हया किस्म दे लोग की जानन हसब की होया करदा है नसब की होया करदा है हसब नसब नू नहीं जान दे फहाशी और यानी दे मंबा ते मरकज अमेरिका दे अंदर अमेरिका उंज ते वैसे अमरीका दा अखलाकी चेहरा कोई नहीं अमेरिका दा कोई अखलाकी चेहरा नहीं लेकिन दुनिया दे सामने अपना अखलाकी चेहरा पेश करदा है। अमरीकन टीवी ते एक प्रोग्राम चलिया उस प्रोग्राम दी रेटिंग बड़ी काफ़ी मकबूलीयत मिली उस प्रोग्राम नू एदे अंदर उन्होंने एक सब्जेक्ट रखिया कि जिन्ना बच्चियां दे प्यो नहीं ना गए हाय मेरे अल्लाह अल्लाह सुनिया तो सानू मुसलमानों नू बचा के रखे है जिन्ना बंदे जिन्ना मर्दां दे जिन्ना बच्चियां दे बाप नहीं मिल रहे उन्होंने बापा नाल उन्हां नू मिलाया जाए। अल मुख्तसर इस प्रोग्राम ने भी बड़ी रेटिंग पकड़ी प्रोग्राम होर ज़्यादा इन्हां दा टीवी दी रेटिंग उतां चली गई बीबियां आंदियां किसी के भी बंदे टेस्ट किए जाते किसी के 30 किसी के 50 तक टेस्टिंग पहुँचती बाप मिल जाता पता चल जाता। एक औरत आई 50 मर्दों के नाम लिख के दिते टेस्ट किया गया DNA टेस्ट होंगे ने ना जदीद लफ्जा के अंदर समझोगे टेस्ट होए ना मर्दों के बच्चे का टेस्ट कर लिया 50 मर्दों चो कोई ना बनिया 50 होर दे नाम लिख के दिते टेस्ट किए गए बाप कोई ना लभ्या 50 होर ना लिख के दिते टेस्ट किए गए बाप कोई ना लभ्या 200 तक टेस्टिंग की गई बाप नहीं मिलिया बच्चे दा। उन्हें कहा नाम तो होर भी मैं दे सकनी हाँ क्या उहदा बाप नहीं होएगा क्या उहदा भाई नहीं होएगा क्या उहदा मुहल्ला नहीं होएगा क्या उहदे अजीज़ो अकरबा नहीं होणगे
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੇਗੈਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਤੀਬ ਏਸ਼ੀਆ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਯਾਦ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਨਵਰ ਅੱਲਾਹੁ ਮਰਕਦਹੁ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਯਾਦ ਆਏ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਉਲ ਫਰਦੌਸ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੀਣਾ ਜੀਣਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਬੇਖੈਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਸੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਗੈਰਤ ਸੇ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਬੇਖੈਰਤ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ।